नमस्ते भाई। देखिए, जिनका दोस्त जोश जो है वो बना हुआ है, वही स्टूडेंट नौकरी लेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जिनका जोश ठंडा हो गया है, वो भैया घर पे तो बैठे ही हैं, और आगे भी तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है। आईपीएल देखो फ्री में फ़ोन पे, आईपीएल ही देखते रहो तुम। आईपीएल के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें जीवन में। नज़ारे और भी हैं आईपीएल के अलावा। आईपीएल तो खाली लोगों की चीज है। ठीक भाई, चलो। तो कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ के बहुत मजा आया होगा आपको। डेली हमारी फ्री की यूट्यूब लाइव क्लास चल रही है, और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। हमारे देश में सबसे ज्यादा कार्य कौन करता है? हमारे देश में सबसे ज्यादा कार्य करते हैं किसान, और किसानों को सबसे कम आमदनी होती है। ठीक है भाई, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो इनकम में ग्रोथ हुई है ना, वो किसान की इनकम में ग्रोथ हुई है। और हमारे देश में सबसे कम, सबसे घटिया, सबसे लीचड़, सबसे दो कौड़ी किस्म का काम कौन करता है, ये आप खुद ही बता पाओगे। तो आज हम यही जो है कार्य को चेक करेंगे कि कैसे कैसे कार्य और समय के सवाल करते हैं। ठीक, तो जितने भी नए स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको ये घंटा भी दबाना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और नए नए लड़के जोड़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, CHSL, SSC, डजन मैटर, बस तुम खुश रहो और तुम्हें टिके रहना है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था, और आज उनका हैप्पी बर्थडे है। आज गांधी जी का भी हैप्पी बर्थडे है। ए भाई चलो आगे चलूं। विनोद, आज भी तुम्हें विनोद ही याद आ रहा है। देखिए, सिंपल सी आप चीजें जानते हो कि आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। जैसे मेरी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी है। तो अगर आपको कुल काम बताना है, जैसे काम क्या है, काम क्या है, क्या बता दूं, काम है घर बनाने का। ठीक है भैया, तो एक दिन में जितना घर बनना है वही जो होती है वो एफिशिएंसी है। और टोटल काम क्या है, घर बनाना। जिसको इतनी बात पता है ना, उसको सब कुछ पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका ये टॉपिक टाइम एंड वर्क हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन सबको पढ़ने से पहले आपकी एक टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, और वो है रेशियो अनुपात। अगर आपको रेशियो आता है तो आपको सब कुछ आता है, बहुत बड़े महारथी हैं। आप सवाल करके बताइए मुझे, सवाल आपके सामने आएगा दन दनाता हुआ। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत आसान है, आपने कभी ना कभी ऐसा सवाल जरूर बनाया है। कचरा सेठ, तुम भी सवाल बनाओ। ठीक है भैया, ज्यादा खुश मत होइए, बोलो। ठीक है, माहौल काफी क्या बोलें, दर्दनाक चल रहा है देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, सब बुरा हाल है। देखिए, एफिशिएंसी ऑफ बीस टू टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी का मतलब है पर डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। बी की क्षमता ए की दक्षता से दो गुना अधिक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर ए एक दिन में एक चेयर बना रहा है, तो बी दो चेयर ज्यादा है, यानी कि तीन चेयर बना रहा है। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। Both started work alternatively starting with B and completed the work in total 37 days. If C works completed the same work in 50 days, then find in how many days A and C together will complete the work. देखे, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है कि दोनों काम स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। स्टार्ट कौन कर रहा है? बी स्टार्ट कर रहा है, और टोटल काम खत्म हुआ 37 दिन में। देखो, भैयाओं की जोड़ी है, उन्होंने जोड़ी बना ली कि एक दिन तू काम कर, एक दिन मैं काम करूंगा, एक दिन तू करिए मैं लेट मारूंगा, और एक दिन मैं काम करूंगा, तू आराम से सोना, यही चीज है। लेकिन काम स्टार्ट कौन करता है? बी। काम खत्म हुआ 37 दिन में, तो भैया एक दिन बी एक दिन है, एक दिन बी एक दिन है। अगर 37 दिन है
तो आप बताओ 18 दिन 18 दिन तो दोनों करेगा, अब ये एक्स्ट्रा जो है एक दिन ये कौन करेगा? बी। मतलब अगर टोटल काम 37 दिन में हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि 19 दिन तो बी ने किया होगा काम और 18 दिन ए ने किया होगा। अल्टरनेट कर रहे हैं, पहले दिन बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। बी एक दिन में करता है 3 तो 19 × 3, ए एक दिन में करता है 1 तो 18 × 1, तो टोटल वर्क कितना आ गया 75 यूनिट। तो ये टोटल वर्क आ गया 75 यूनिट, 75 यूनिट टोटल काम आ गया। और इस 75 यूनिट काम को अकेला सी, सी एक ऐसा बंदा है जो अकेला सेम काम को 50 दिन में निपटा देता है। सी अगर पूरा काम, सी अगर 75 चेयर 50 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना रहा है? एक दिन में बना रहा है 1.5। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। आपसे पूछा ए और सी पूरा कितने दिन में करेंगे? ए बनाता है भैया एक दिन में 1 चेयर, सी बनाता है 1.5। तो ए और सी मिलके 75 चेयर 2.5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में बनाएंगे? 30 दिन में। और 30 ही सवाल का आंसर था, 30 डेज। ये सवाल कोई तूफान मेल नहीं है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को समझ पाए? वेरी गुड भाई, सभी का धड़ल्ले से 30 आंसर आ रहा है, यही तो मुझे चाहिए। ये टॉपिक आसान होते हैं, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, मुझे पता है। है भाई, वाह 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 यार, तुमने तो दिल खुश कर दिया। मैं तो समझा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमने कर दिया 30 दिन। वेरी गुड भाई, एक बार वीडियो को फैला दो सब लोग, सबको समझ में आ गया। इसमें कोनो परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं एक और सवाल लूंगा भैया, सवाल नंबर 2। देखिए आप सवालों की जाति डिसाइड मत करिए, है ना, कि ये एसएससी छाप सवाल है, ये सीडीएस छाप है, एनटीपीसी सवाल है, नहीं। सवाल हर पेपर में लगभग एक जैसे ही आते हैं, और खासकर टाइम एंड वर्क का तो यही सवाल दिखेगा आपको हर एक पेपर में। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय बेरोजगार, ठीक, वो भी बहुत है ना, आप तो 15-20 करोड़ तो पहुंची गई है। हमारे देश में बेरोजगारों की तादाद इतनी हो गई है कि यूरोप के कई देश समा जाएंगे उसमें। है भाई, क्या करें। सवाल देखो, इफ ए हैड वर्क्ड अलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर्स टू डू द टास्क, व्हाट इज बी शेयर? बी का शेयर बताइए इफ ए एंड बी टुगेदर ऑन ए टास्क फिनिशिंग इट इन 36 आवर्स एंड दे गेट पेड 5950 रुपया। देखिए एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, पेपर में, रियल लाइफ में नहीं है। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा, यानी कि पैसा किस में बांटा जाता है? एफिशिएंसी के रेशियो में। रियल लाइफ में क्या होता है, जो आदमी जितना बड़ा डकैत गुंडा उसको उतना ज्यादा पैसा। है भाई, ऐसे है। लेकिन हमारे सवालों में क्या, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा इज्जत से। लेकिन अब बताइए, जो आदमी जितना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम करेगा वो ज्यादा काम करेगा, और जो आदमी स्लो है वो कम काम करेगा। मतलब डेज का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होता है, दिन ज्यादा तो काम कम और काम ज्यादा तो दिन कम। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं? बातें पहेली की तरह नहीं है, बातें बहुत आसान है। भैया ए किसी काम को करने में 63 घंटे लेता है, जबकि ए प्लस बी दो बंदे अगर मिल जाए ना तो दोनों बंदे मिलके 36 घंटे लेते। कितने लेते? 36 घंटे। तो डेज का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो आगा 36:63, ये एफिशिएंसी का रेशियो है 9 × 36 = 9 × 63, क्योंकि पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। आपसे पूछा है बताओ बी को कितना पैसा मिला, बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है और ए की 4 है, तो बी की कितनी है? 3। तो टोटल 7 में से बी की एफिशिएंसी 3 है, तो पैसा भी 3/7 मिलेगा ना, कितने का? 5950 रुपए का। तो 5950 रुपए का 3/7 निकाल दीजिए, 7×8=56 और ये 7×5=35, 2400 + 150 = 2550 रुपया, यही आंसर है। देखो सभी बच्चों का आ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अभी भी तुम्हें 3400 और ये सब आंसर बताने में? कब करोगे तुम लोग सवाल? है भाई, दो बातें मैंने आपको बताई कि डेज का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होता है। दूसरा,
जिस जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा है, उसको पैसा भी उतना ज्यादा देंगे। बताओ, तुम नहीं समझोगे मेरी बात को। अब ये सब बातें भी नहीं समझते डेली लाइफ की, तो कैसे काम चलेगा। आगे चलूं, सवाल नंबर 3। यस, मैं भाई ये कहना चाहता हूं कि जितने भी एग्जाम है, सबसे ज्यादा पेपर में टाइम एंड वर्क का पूछे जाने वाला सवाल यही है। आप माने या ना माने, सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछा जाता है, छोड़ने वाला। ठीक है, दुनिया बड़ी बेवफा है, छोड़ छोड़ के चली जाती है, और दुनिया बड़ी मौकेबाज है, बीच में ही रिश्ता जोड़ लेती है। तो वही सवाल से हमें सीखने को मिलेगा। बताइए जल्दी से सवाल नंबर 3 है भाई। नहीं नहीं भैया, देखिए, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क इन 24, 20 और 18 डेज। तो सिंपल सा लिख लो, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, भाई मेरे बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और भैया मेरे सी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। अब भैया आगे की कहानी बाद में, सबसे पहले एलसीएम। आप मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा? जो बच्चा एलसीएम भी कोने में जाके लेने लगा ना कोपचे में, वो सवाल समझो कि वो टाइम एंड वर्क पढ़ा ही नहीं है। 24, 20 और 18 देखते ही समझ में आना चाहिए कि एलसीएम 360 यूनिट है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 360 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 18। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई है भाई। यहां तक कोनो परेशानी? क्या हुआ? सवाल में ये बोला है कि तीनों ने, दे वर्क फॉर 6 डेज एंड लीव, तीनों ने 6 दिन तक काम किया, फिर आपस में घूसा बज गया और छोड़ के भाग गए। तो बताइए नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क। रिमेनिंग टास्क, बचा हुआ काम अकेला ए कितने दिन में करेगा? कोई ना कोई तो करेगा पूरा। बताओ तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, 6 दिन में नहीं, बी एंड सी स्टार्ट दी टास्क, बी एंड सी स्टार्ट दी टास्क। सर तीनों ही भाग जाएंगे तो ये कहां से बचेगा? बी और सी ने काम स्टार्ट किया है। तीनों ही भाग जाएंगे तो करेगा कौन? काम किसने स्टार्ट किया है? बी और सी ने, और 6 दिन तक काम किया। बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम करती है? 18, 20, 38। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे ये है भाई? तो 6 दिन में 240 में से 12 घटा दो, 228, 228 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना? 132 यूनिट काम। ये 132 यूनिट काम बचा, और इस काम को बेचारा कौन करेगा? हमारा शरीफ आदमी करेगा, ए। ए की एफिशिएंसी है 15, तो 15 एफिशिएंसी के साथ 132 बटा 15 दिन में। 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 44/5 का मतलब 8 सही 4/5 दिन। तो बचे हुए काम को बंदा ए निपटाएगा 8 सही 4/5 दिन में। बोलो क्या सही कर रहा हूं मैं? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आती हैं? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है दोस्त, आगे चलूं, एक और सवाल लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है टाइम एंड वर्क का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है भागने वाला। ठीक है, आगे चलो, ये बना ये सवाल। ओ यस, दिस इज द, मतलब मैं क्या कहूं, आज ये सवाल का डाटा सेट करा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ भाई, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बाहर से बड़े सख्त होते हैं लेकिन अंदर से बड़े कोमल होते हैं। सेम चीज यहां पे है मेरे भाई। आप एक बात बताओ, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32, 48 और 29 दिन रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, सी 29 दिन में करता है। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 डेज, उन्होंने साथ में 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ के भाग गया। आफ्टर दिस, उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया और बी छोड़ के भाग गया, और बचा खुचा काम जो है वो सी ने निपटाया। इफ दे गॉट 6840 फॉर द होल वर्क, अगर पूरे काम के 6840 रुपया दिए गए हैं, तो बताओ सी का शेयर क्या है, सी का हिस्सा क्या है?
आप कहोगे सर यहाँ एलसीएम में तो हमारी हालत खराब हुई जा रही है, कैसे करोगे? देखिए, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी कर रहा है 48 दिन में, और सी कर रहा है 29 दिन में। जब ऐसी ऊटपटांग सी चीजें दिखने लगें तो आपको समझ जाना चाहिए कि एग्जामिनर फिरकी ले रहा है तुम्हारी। और फिरकी कैसे, ध्यान से सुनो, ए 32 दिन में, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। ये बात साफ है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात। साथ में काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़ के भाग गया, मतलब ए ने 4 दिन काम किया है। ए पूरा काम 32 दिन में करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4/32 यानी कि 1/8, यानी कि ए कितना काम करेगा, 12.5%। अगर ए पूरा काम 32 दिन में करता है तो 4 दिन में 1/8 काम करेगा, 1/8 का मतलब 12.5%, ये ए ने किया है। ध्यान से सुनिए, बी और सी बचे, 8 दिन बाद बी भी भाग गया, बी भी बड़ा कमीना है, बी भी 8 दिन बाद भाग गया। आप बताओ, 4 दिन तो ये और 8 दिन ये, 12 दिन हो गया, तो बी ने 12 दिन काम किया है। अगर बी पूरा काम 48 दिन में करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 1/4। अगर पूरा काम 48 दिन में तो 12 दिन में 1/4 काम करेगा, मतलब 25%। तो बी ने कितना काम किया है, 25%। बोलो बी ने कितना काम किया है, 25%। आप ये बताओ कि ए ने इतना काम कर दिया, बी ने इतना काम कर दिया, तो बचा कुचा हमारा सी महाशय तो कर रहा है, ये कितना हो गया, 37.5%। तो बचा काम कितना है, 62.5%। ये काम किसने किया है, यही काम ना सी ने किया होगा बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करके। बोलो, टोटल तो 100% होता है, यानी कि सी ने टोटल का इतना काम किया, ये कितना होता है, 5/8 काम किया, तो सी को पैसा भी इतना मिलना चाहिए। 6840 का 5/8 निकाल दीजिए भाई, 8 अट्ठू मट्टू 64, 4 4 8 5 40, 8 5 40, तो 5 आएगा यूनिट डिजिट, ये आंसर है। ठीक है भैया, बोलो क्या ये सवाल समझ आया तुम्हें? थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो समझा था कि आज से ही तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा, पर फिर भी 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये तुम्हें ये सवाल समझ आया है, कमेंट दिखाओ मुझे बालकों के। बोलो बोलो सर, आप सवाल को मिटाया मत करो, मिटाया कहाँ है हमने, सारा दिमाग में चलना है। ठीक है भाई, टी शर्ट का ब्रांड, टी शर्ट भैया 300 रुपया की 12 मिलती हैं, एक दर्जन 300 की दिल्ली में मिलती हैं। इधर देखो यार, तुम्हें ए किसी काम को 32 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। ए ने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन में 1/8 12.5%। बी 8 दिन और किया है, तो 4 दिन ये, 8 दिन ये, बी ने 12 दिन किया, 12 दिन पूरा काम 48 दिन में, तो 12 दिन में 25%। तो बचा कितना काम, जो बचा खुचा है उस सी ने निपटाया है ससुरा, तो सी ने निपटाया इतना 62.5%, यानी 5/8। 5/8 मतलब 6840 का 5/8, क्या यही है? ठीक है, देखो सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं, सबको मेरी बातें पसंद भी आ रही हैं, तभी तो टिके हुए हो, अदरवाइज टिक से कहां से। ठीक है भाई, चलो 10,000 लाइक भी पहुंचा दो अब तुम जल्दी से, इतनी कृपा कर रहे हो, तो इतनी कृपा बहुत है। अच्छा भैया देखो भैया, हाँ, ए अलोन वुड टेक 32 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी टुगेदर, बी टेक्स 18 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क अलोन देन ए एंड बी टुगेदर, इन 9 आवर्स हाउ मच परसेंटेज वर्क ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्किंग टुगेदर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स बराबर रूट ए बी वाला, नहीं पढ़ा? देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है टाइम एंड वर्क का, जो आपको रट्टा मारना पड़ता है। ध्यान से देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि ए प्लस बी सपोज किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को सपोज एक्स घंटे में करते हैं, तो सवाल में दे रखा है कि ए अलोन जो है, ए अकेला ए प्लस बी से 32 घंटा ज्यादा लेता है, यानी कि ए कितना समय लेता है, फिर एक्स प्लस 32, ए कितना समय लेता है, एक्स प्लस 32 घंटा सवाल में दे रखा है।
बी टेक्स 18 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क एलोन देन ए एंड बी वर्क टुगेदर. बी को ए प्लस बी की तुलना में 18 घंटे ज्यादा लगते हैं. मतलब ए प्लस बी को अगर एक्स घंटा लग रहा है तो बी को 18 घंटे ज्यादा है. मतलब बी को कितना समय लग रहा है? एक्स प्लस 18 घंटे. एकता में शक्ति है तो दो आदमी जल्दी करेंगे, और अकेले अकेले करेंगे तो भैया समय ज्यादा लगेगा. वही दिखाया है कि ए को कितना 32 घंटे ज्यादा लग रहा है, बी को भैया 18 घंटे ज्यादा लग रहा है. तो जहां भी आप ऐसा देखो, ये एक्स है, ये एक्स प्लस 32 एक्स प्लस 18 पैटर्न समझ गया ना दिमाग में, तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है. क्या शॉर्टकट है? एक्स बराबर रूट ए बी. रूट ए बी का मतलब ये 32 और ये 18, एक्स बराबर 32 इंटू 18 का अंडर रूट. दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट, इससे आसान चीज नहीं है. तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, 18 का 2 इधर ले लो, 64 8 और ये 3 24, एक्स की वैल्यू आ गई 24 घंटे. मतलब ए प्लस बी दोनों बंदे मिलकर, मैंने निकाल लिया कि ए प्लस बी दोनों बंदे मिलकर पूरा काम 24 घंटे में कर लेंगे. ए और बी दोनों मिलकर काम 24 घंटे में कर लेंगे. पर सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि ससुरे अगर दोनों 9 घंटे काम करें मिलके तो कितना परसेंट काम होगा. आप बताओ पूरा काम 24 घंटे में, एक घंटे में 1/24, 9 घंटे में 9/24 काम. 9/24 काम का मतलब 3/8 काम, और 3/8 काम का मतलब 37.5% काम. 1/8 12.5%, 3/8 37.5%. एक्स बराबर रूट ए बी. देखो यार, क्या तुम्हें एक्स बराबर रूट ए बी नहीं पता है तो क्या तैयारी कर रहे हो बताइए? आपको पता है भाई, जब भी आप देखो कि ए को टुगेदर से ए 32 घंटा ज्यादा लगा, बी को टुगेदर से 18 ज्यादा लगा, तो आपको तुरंत करना कि एक्स के लू दिस इंटू दिस का अंडर रूट. सिंपल सा कंसेप्ट है, नथिंग एल्स. आपको मेरी बात समझ में आई है? बोलो. एक और लेता हूं मैं सवाल. देखिए सवाल हमारे पास बहुत है, भरपूर मात्रा में. ये सवाल करिए जल्दी से फटाफट. यस, पहली बार पढ़ रहे हैं. अच्छा अच्छा ठीक है. ये अभी इतने ही है क्या? थैंक यू भाई यार, धन्यवाद. बोलो बोलो, आपको सवाल सही दिख रहा है ना? इतना गुस्सा काहे हो रहे हो? 32 और 18 का अंडर रूट भी ले नहीं ले पा रहे, बताओ कैसे काम चलेगा यार? हैं? ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क्स 50% मोर फास्ट एज सी डज. ऑल थ्री वर्क टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 8 days विद द हेल्प ऑफ डी. डी अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क इन 24 days. Then in how many days will A and D together finish 71:3/7% of the same task? अरे बाप रे बाप, तो बहुत ही बवाल हो गया. देखो तीन बंदा हैं दोस्त, A, B और C. ध्यान से सुनिएगा, तीन बंदे हैं A, B और C. A, B और C तीन बंदे हैं, तीनों बढ़िया बंदे हैं, टेंशन मत लो. सवाल में दे रखा है कि A B से 3 गुना फास्ट है और बी सी से 50% फास्ट है. देखिए 50% का मतलब होता है हाफ. 50% का मतलब क्या होता है? हाफ. मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है. और सवाल में दिया है कि ए बी से 3 गुना तेज है. अगर बी की 3 है तो ए की एफिशिएंसी 9 है. तो ये तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो. सवाल में बोला है कि ये तीनों बंदे मिल जाएं तो एकता में शक्ति होती है, तो ये तीनों बंदे मिलके काम 8 दिन में कर लेंगे डी की मदद से. तो डी के बारे में तो नहीं पता, हमने मान लिया कि डी की एफिशिएंसी डी है. तो आप ये बताओ टोटल वर्क क्या होता है, कुल कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा डेज. बताओ तीनों बंदे 9, 3, 12, 2, 14 है, 14 है और डी की एफिशिएंसी डी है. इतनी एफिशिएंसी के साथ 8 दिन में इतना काम करेंगे, टोटल वर्क आ गया. ये टोटल वर्क आ गया, जबकि डी जो है पूरा काम 24 दिन में करता है. डी एक दिन में डी काम, 24 दिन में इतना. तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ये दोनों वर्क टोटल वर्क इक्वल होना चाहिए?
तो 8 * 3 = 24, 3d - d 2d बराबर 14d = 7 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 7, 8 से 24 तीन बार कट जाएगा, 3d - d 2d 2d 14d 7 आ गया। d की वैल्यू 7 आ गई। आपसे पूछा है बताइए कितने दिनों में सेम टास्क का 71:3/7% कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखो चाहे डी यहां रख दो चाहे यहां रख दो, बात तो सेम ही है। डी की वैल्यू कितनी है 7, 7 * 24 ये टोटल वर्क आ गया। लेकिन आपको टोटल वर्क नहीं करना, टोटल वर्क का कितना करना है 71:3/7%। आप बताओ 71:3/7% क्या होता है, ये बात याद है ना, 14 * 2/7% 1/7% में पढ़ा है। तो 71:3/7% होता है 5/7, इसका 5 गुना है। तो टोटल वर्क का 5/7 करना है, टोटल वर्क का 5/7 इतना काम करना है। और करेगा कौन, करेगा बंदा ए और डी मिलके, ए और डी मिलके। तो भैया ए एक दिन में 9 काम करता है, डी 7 करता है, तो दोनों मिलके 9 और 7 = 16 करेंगे, तो * 16। इतनी सी बात थी, तो कितना दिन लगेगा 7 से 7, 8 * 3 = 24, 8 * 2 = 16, तो 15/2 दिन, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 दिन। तो 7.5 दिन में काम होगा, यानी कि डी ऑप्शन। बताओ ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है 2019 का, तो मैं समझ में, बहुत सिंपल सा सवाल है, सभी का 7.5 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल वर्क को पकड़ के रखना है। टोटल वर्क कुछ नहीं होता, एफिशिएंसी इनटू डेज, तीनों बंदों की एफिशिएंसी इतनी है, 8 दिन में कर रहे हैं कुल काम तो इंटू 8। डी की एफिशिएंसी डी है, 24 दिन में पूरा काम कर रहा है तो इंटू 24। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर रख दो, डी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और एफिशिएंसी आती है, सवाल खत्म। क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल और लेता हूं, आप जल्दी से ये वाला बताइए मुझे, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। कैन यू टीच इन इंग्लिश? नहीं भैया, इंग्लिश आती तो मैं ही हो, यही होता, बताओ है भाई। देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, दो बंदे हैं ए और बी, स्लोली स्लोली मिलके पूरा काम 40 दिन में करते हैं, अच्छा। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, उन्हें साथ में काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट दी वर्क, और 31 दिन के बाद बी भाग गया, ओहो, एंड होल वर्क कंप्लीट इन 40 डेज, और पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क, तो बताइए ए अकेला 50% वर्क कितने दिन में कर लेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए आदमी काम तो बड़े मन से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे जब बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो आदमी बीच में छोड़ के भागता है, उसमें हालातों की वजह होती है, ठीक दोस्त। आप ध्यान से देखो, दो बंदे ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने साथ में काम किया, 31 दिन के बाद बी छोड़ के भाग गया, तो भैया बी को करना, ए को भी 40 दिन करना था, बी को भी 40 दिन करना था, पर यार ये जो भैया मेरा बी है ये 31 दिन में ही भाग गया, मतलब 9 दिन का काम छोड़ दिया इसने, इसने 9 दिन का काम छोड़ दिया। अब बता पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। देखो ए को भी 40 दिन करना था, बी को भी 40 दिन करना था, दोनों को मिलकर 40 दिन करना था, लेकिन बेचारा काम हुआ 46 दिन में, तो ये ए जो है ये 6 दिन ज्यादा रगड़ा ना, करना था 40 दिन, लगा रहा 46 दिन तक, तो ए ने 6 दिन काम एक्स्ट्रा किया, तो बी के 9 दिन का काम ए ने किया है 6 दिन में। जो ये जो भैया मेरा कमीना बी है, ये जो 9 दिन का काम है ये ए ने 6 दिन में काम किया, क्यों, क्योंकि बी छोड़ के भाग जाएगा तो दूसरा पार्टनर ही तो उसको निपटाएगा। तो यहां से मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता लगी 6/9, यानी कि 2/3, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2/3 आ गया। आपसे सवाल में ये पूछा है कि ए अकेला 50% कितने दिन में करेगा। देखो
ए और बी की कुल एफिशिएंसी होगी 5। ए और बी एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं? 5। दोनों मिलके पूरा काम 40 दिन में करते हैं, तो 40 दिन में करेंगे इतना ये टोटल वर्क है। लेकिन आपको टोटल नहीं करना, आपको 50% आधा ही काम करना है, आधा काम करना है, तो यानी कि इतना। तो इतना काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? अकेला बंदा दो एफिशिएंसी के साथ लगा रहेगा बेचारा, तो बटे यहां पे क्या कर दीजिए? 2। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? तो ये आ जाएगा भैया तुम्हारा, ये तो 50 आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, यहां गड़बड़ कर दी हमने, ए इधर है ना, बी इधर है, ए से बी की एफिशिएंसी का रेशियो 6 उधर जाएगा, 9/6 3/2 आएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आएगा, 3/2 ए इधर है, बी उधर है, तो बी उधर जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आएगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 40 दिन में इतना काम होगा, लेकिन अपने को आधा ही काम करना है, तो ये, और इसको कौन करेगा? इसको करेगा बंदा ए 3 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है भाई, तो यानी कि कितने दिन में? 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3 दिन में पूरा काम होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सबका 33 सही, 1/3 दिन आ रहा है, बोलो। ठीक है, 33:1/3 दिन। सर एलसीएम मेथड से बताओ यार, हर सवाल में एलसीएम मेथड थोड़ा ना लगता है, हर सवाल में एलसीएम नहीं लगेगा, आदमी भैया बीच में छोड़कर भाग रहा है, तो यहां पे सिंपल सी थ्योरी ये लगते कि छोड़कर भागा, तो इसका बचा हुआ काम दूसरे बंदे ने किया, काम को बराबर रख दो, इसका बचा हुआ काम दूसरे बंदे ने किया, काम को बराबर रख दो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं? यस, बताइए भाई नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा चल रहा है? ये 8 नंबर, सवाल नंबर 8 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया है घर में। देखो ऐसे मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा, 3-4 सवाल आपको ढंग से पढ़ने और ढंग से समझने, अदरवाइज आपको तकलीफ हो जाएगी जीवन में। देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क, एक्स इज 30% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड इज 20% लेस एफिशिएंट देन वाई। देखिए तीन बंदे हैं, एक्स वाई और जेड, तीन बंदे दोस्तों, एक्स वाई और जेड। सवाल में ये बोला है किसी टास्क को करने में एक्स वाई से 30% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वाई की एफिशिएंसी 10 है तो एक्स की एफिशिएंसी 13 है, यही बोला है। और जेड जो है वाई से 20% कम एफिशिएंट है, मतलब अगर वाई की 10 है तो जेड की कितनी है? 8। ये तीनों की क्षमता का रेशियो आ गया, ये तीनों के पर डे वर्क का रेशियो आ गया 13:10:8, 13:10:8 तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि इस बात को डायरेक्ट रेशियो में दे सकता था। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो काम की बात यहां से शुरू होती है। दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 44 डेज, तीनों बंदे अगर मिल जाएं तो पूरा काम 44 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाई एंड जेड टूगेदर वर्कड फॉर 70 डेज, वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन काम किया, तो बताइए रिमेनिंग वर्क को एक्स अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए इस साल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। तीनों मिलके पूरे काम को 44 दिन में कर सकते हैं, ये भी मतलब ये भी 44 दिन करे, ये भी 44 दिन करे, ये भी 44 दिन करे, तो काम खत्म हो जाएगा। तो भैया करना कितना है? 44 दिन। लेकिन हुआ क्या है, वाई और जेड ने 70 दिन काम किया, करना था 44, किया 70 दिन, यानी कि 26 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो ये वाई और जेड जो एक दिन में 18 चेयर बनाते हैं, 18 यूनिट काम करते हैं, इन्होंने 26 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो ये एक्स के लिए बचत हो गई। एक्स एक दिन में 13 काम करता है, तो इस काम को एक्स इतने दिन में निपटाता, तो एक्स का इतने दिन का आराम हो गया। जो काम ये एक्स को करना था वो वाई और जेड ने निपटा दिया, तो वाई और जेड को इतना समय कम लगेगा, यानी कि 13 दूनी 26,
और 44 माइनस 36 यानी कि 8 दिन, तो रिमेनिंग काम को एक्स 8 दिन में करेगा। भैया इससे आसान सवाल बन नहीं सकता कभी पेपर में, और इससे आसान तरीका भी नहीं है। क्या आप मेरी बात समझे? देखिए आप टोटल वर्क निकाल के भी कर सकते हैं, पर मैंने जो है आपको एक दूसरी चीज सिखाई। आप टोटल वर्क निकाल के ऐसे भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई कि तीनों लोग मिलकर 13 और 10, 23, 8, 31 31 एक दिन में, 31 पूरा काम 44 दिन में, टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क है। वाई और जेड एक दिन में 18 काम करते, इन्होंने काम कितने दिन तक किया? 70 दिन तक। तो इतना काम हो गया, बचा काम कितना? ये इस बचे हुए काम को कौन करेगा? एक्स यानी कि 13 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल वर्क ये है, ये कुल काम है। कुल काम में से वाई और जेड का काम घटा दो तो बचा किसका? एक्स का काम। एक्स एक दिन में 13 चेयर बनाता है, तो इतना काम कितने दिन में करेगा? 13 से आपको भाग करना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड बताया वो बेस्ट है, वहां से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा एक सवाल और है डिट्टो, ये सीजीएल 2018 का बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल में मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, सवाल वही है जो अभी सवाल करा है ना डिट्टो, वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। बताइए भाई, देखिए किसी काम को करने में रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 7:5, 5:6। इस सवाल में डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दी, पिछले सवाल में आपको निकालनी पड़ी थी, लेकिन यहां डायरेक्ट दे दी। तो कभी कभी एग्जामिनर दरिया दिल हो जाता है, आपको चीजें जो है डायरेक्ट दे देता है। तो तीन बंदे हैं ए बी और सी, सवाल में उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना भैया? 7:5, 5:6। ठीक दोस्त, आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज, वे मिलकर पूरा काम 35 दिन में कर लेंगे। तीनों बंदे मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 35 दिन में हो जाएगा। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया, तो बताओ बचे खुचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? बताइए जल्दी से। देखो मुझे एक बात बताओ, तीनों बंदे मिलकर पूरा काम 35 दिन में कर सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि 35 दिन ये करे, 35 दिन ये करे, 35 दिन ये करे, तो काम 35 दिन में हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है सवाल में? सवाल में बी और सी ने केवल 21 ही दिन काम किया है, यानी कि बी और सी को करना था 35 दिन, तो किया उन्होंने केवल 21 दिन, तो बी और सी के 14 दिन का काम बाकी है। बी और सी के 14 दिन का काम बाकी है। बी और सी एक दिन में 11 चेयर बनाते हैं, तो 14 दिन में इतनी चेयर बनाएंगे, और ये चेयर अब कौन निपटाएगा? ए निपटाएगा। भैया बी और सी जो काम छोड़ के चले जाएंगे वो किसके जुम्मे आ गया? ए के जुम्मे आ गया ना, तो इस काम को ए करेगा। 7 × 14 और 35 + 22 यानी कि 57 दिन, 57 डेज। तो ए जो है पूरा काम करने में 57 दिन लेगा। बताओ क्या इससे आसान कोई चीज हो सकती है तुम्हारे जीवन में, ये बताओ। तो दो मैंने आपको सवाल कराए और दोनों बहुत सिंपल मेथड से मैंने आपको कराए। देखो ए को 35 दिन तो करना ही करना है, अब बी और सी भी 35-35 दिन करते तो कोनो दिक्कत नहीं होती, लेकिन बी और सी ने 21 दिन किया, बेचारे बीच में छोड़कर भाग गए, तो 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए, एक दिन में 11 करते हैं, तो 14 दिन में इतना इस काम को ए को करना पड़ा, तो 7 से डिवाइड कर दो। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रणाम भाई। ठीक, चलो एक सवाल और लेते हैं, ये बताओ जरा। यस, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, बताओ जल्दी से। अच्छा अबे न्यू बैच को छोड़ो, पहले यहां पढ़ो तुम। हाँ यही क्वेश्चन आएगा एसएससी में, चिंता मत करो। ठीक है, एक बात बताओ, बिहार में किसे जितवा रहे हो तुम? बिहार में किसकी सरकार बना रहे हो? चुनाव है ना बिहार से, जो जो स्टूडेंट है बताओ जरा मुझे।
मैं भी माहौल चेक करना चाहता हूं कि इस बार हवा किसकी तरफ जा रही है। है भैया हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं मैं, यूपी बिहार वालों पे मेरा विशेषकर फोकस है। राम राम भाई, सीट में डाल दूंगा, सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तुम यार ज्वाइन नहीं करते हो, तुमने मुझे ट्विटर पे फॉलो करा है, पता है कितना बड़े बड़े काम करे मैंने। हाँ तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे फॉलो करो, फर्जी फर्जी लोगों को फॉलो कर लेते हो। आरजेडी नीतीश, अच्छा भैया वाह, ऑप्शन ही कहाँ है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हमको अच्छी सरकार नहीं चुननी है, क्योंकि अच्छी तो बनेगी नहीं कभी, हमको कम खराब सरकार चुननी है। हमको ये नहीं चुनना कि कौन विकास करेगा, हमको ये चुनना है कि कौन कम बर्बाद करेगा, क्योंकि समय ऐसा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सोच समझ के अपना फैसला दें, 200 रुपया पे और शाम के मुर्गे पे और एक पौवा पे अपने चरित्र को ना गिराएं, समझे? यही सब होता है, मुझे सब पता है, मैंने गांवों में देखी है सारी हकीकत। चलो इधर देखो। सवाल देखिए, सवाल किस दिशा में जा रहा है। एक एंड कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 40 डेज, एक इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 20-25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। ओके देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सवाल में ई बात बोली गई है कि बी जो है, मेरे प्यारे भाई, बी जो है ए से 25% ज्यादा कारीगर है। 25% मतलब 1/4, ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है। और सी जो है बी से 28% ज्यादा है, तो 5 का 28% होता है 1.4, तो 1.4 ज्यादा यानी कि 6.4, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 6.4। पॉइंट को देख के तकलीफ मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो बताओ अकेले काम को बी कितने दिन में निपटाएगा। ये सवाल तो बहुत आसान लग रहा है, आप बताओ। ए पूरा काम 40 दिन में कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 160। टोटल वर्क आ गया, दिस इज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 5, 4, 9, 9 और 6, 15.4, एक दिन में 15.4 काम करते, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 75+2 77 कर देंगे, 77 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा भैया 83 काम बच गया। ये 83 काम किसको दे दिया करने के लिए, हमारे गरीब आदमी को दे दिया, बी भाई को। तो 83 काम 5 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 16 सही 3/5 दिन में। ये ऑप्शन, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? काम मिलेगा है? अच्छा भैया, यहां तक कोई परेशानी? आगे चले। भैया कह रहा, एक स्टूडेंट कह रहा, सर रंगीली का पौवा गांव में चलता है। भैया ऐसी अभद्र भाषा ना फैलाएं। चलो इधर देखो, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इसी के साथ हम बहुत सारे सवाल निपटा चुके हैं और अगले सवाल की तरफ। ये तो हमारी सीट ही खो गई, कहाँ है भाई सीट? बताइए जरा, है भाई? रमेश और गणेश भाई अब आ गए हमारे, बताइए जल्दी से, बड़ा ही सुंदर टिकाऊ सवाल लग रहा है रमेश जी और गणेश जी वाला, बताइए। आपका इंतजार है मुझे, आपके जवाबों का।
हाँ आज से ही पढ़ाई चालू कर दो। रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 16 days। रमेश और गणेश बहुत अच्छे आदमी हैं जो किसी काम को मिलके 16 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद रमेश बीमार हो गए और उनकी एफिशिएंसी 30% गिर गई। एफिशिएंसी 30% कम हो गई। एज ए रिजल्ट, रिजल्ट ये हुआ, परिणाम ये हुआ, बताओ कोई आदमी बीमार होगा तो स्लो काम करेगा, तो स्लो काम करेगा तो क्या हुआ, कंप्लीट द वर्क इन 17 दिन इंस्टेड ऑफ 16 दिन। तो अब उनको 16 दिन की बजाय काम करने में 17 दिन लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ गणेश हैड वर्कड एलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, इन हाउ मेनी डेज वुड बी हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अगर रमेश भैया के बीमार हो जाने के बाद अगर अकेले केवल गणेश जी ने काम किया होता तो काम कितने दिन में पूरा होता, जल्दी बताइए। देखिए इतनी बड़ी हमने कहानी रच दी है, सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब रमेश और गणेश की एफिशिएंसी निकलेगी, जब रमेश भैया और गणेश जी की एफिशिएंसी निकलेगी। दोनों काम किस पूरे मिलके पूरा काम दोनों मिलके 16 दिन में करते, उन्होंने 7 दिन तक काम किया, यानी कि कितने दिन का काम बाकी रह गया, 9 दिन का काम बाकी रह गया। रमेश बीमार, उनकी एफिशिएंसी 30% गिर गई। मैं ये मान लेता हूं कि रमेश जी की एफिशिएंसी 1 है, रमेश जी की एफिशिएंसी 1 है, भैया उन्होंने 7 दिन तक तो काम किया है, उन्हें 9 दिन और काम करना था, यानी कि उन्होंने काम कितना करना था अभी 9 यूनिट, लेकिन अब उनकी एफिशिएंसी 30% गिर गई, 1 से 30% कम होके अब उनकी एफिशिएंसी 0.7 रह गई। कितनी रह गई उनकी एफिशिएंसी, रमेश की एफिशिएंसी 0.7 ही रह गई। अब बताओ रमेश ने काम किया कितना, देखिए 16 दिन में से 7 दिन तो हो गया, बचे 9 दिन, 9 दिन ही करना था, लेकिन अब काम 17 दिन में हुआ है, यानी कि 7 से 17 10 दिन काम किया है उन्होंने। तो रमेश भैया एक दिन में 0.7 करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, 7 यूनिट। तो यानी कि रमेश जी ने 2 यूनिट काम नहीं किया, रमेश को करना चाहिए था 9 यूनिट लेकिन उन्हें किया केवल 7 यूनिट, तो यानी कि 2 यूनिट काम उन्होंने नहीं किया। तो ये 2 यूनिट काम किसने किया होगा, गणेश ने। आप बताइए 2 यूनिट काम किसने किया होगा, गणेश ने। अब काम खत्म होना था 16 दिन में लेकिन हुआ 17 दिन में, तो गणेश जी ने किया है 1 दिन एक्स्ट्रा काम, तो 1 दिन एक्स्ट्रा काम गणेश जी ने किया है, तो 1 दिन में यही ना 2 यूनिट किया होगा, तो यानी कि गणेश की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो रमेश और गणेश की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है। भैया आप चाहे ना तो इसको टोटल वर्क को इक्वल करके भी निकाल सकते हो, पर इतना समय होता तो हम यहीं होते, बताओ। रमेश जी की एफिशिएंसी 1 मान ली, 16 दिन में पूरा काम कर देते हैं मिलके, 7 दिन काम कर दिया तो बचा कितना, 9 दिन, 9 दिन में रमेश 9 यूनिट काम करते है भाई, लेकिन उनकी एफिशिएंसी 30% गिर गई, 0.7 हो गई। और रमेश ने अब भैया 7 दिन तो हो चुका काम, 17 दिन में खत्म हुआ है, 10 दिन तक काम किया, यानी कि 7 यूनिट, तो यानी कि 2 यूनिट काम उन्होंने नहीं किया, वो गणेश जी को करना पड़ा 1 दिन में। तो 1 दिन में गणेश 2 यूनिट काम करता है, तो गणेश की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है भाई। सवाल में ये पूछा है कि रमेश के बीमार हो जाने के बाद गणेश अकेला पूरा काम कितने दिन में करता, रमेश और गणेश मिलके 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। रमेश के बीमार हो जाने के बाद 16 में से 7 दिन बाद बीमार हुए, 9 दिन का काम बाकी है, तो 9 दिन का काम 27 यूनिट काम अकेला गणेश 2 एफिशिएंसी के साथ 27/2 दिन में करेगा, 27/2 का मतलब 13.5 दिन, 13.5 दिन, ठीक है भैया। इससे आसान तरीका नहीं है सवाल को करने का, लेकिन इस ऐसे तरीके को आपको करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचना तो हमें आता है, भगवान ने दिमाग हमें कूट कूट के दिया है। क्या इसमें कोई परेशानी है, इसमें किसी टाइप की कोई परेशानी किसी भी बच्चे को है नहीं। मैं अगला सवाल लूंगा भैया, सवाल नंबर 12, यस ये इतना बेहतरीन सवाल है
ये सवाल ऐसा है जो सीजीएल में आया 2015 में, और ये सवाल ऐसा है जो कैट के पेपर में भी आया 2018 में, ये सीडीएस के पेपर में भी आया 2017 में। ये तीनों तीन तीन साल ही आपका जो है क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन। देख लो इस भयावनक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता जाता रहता है, डाटा भी नहीं बदलता। दो वर्कर हैं, दो कर्मचारी ए और बी, वो मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होगा। तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? क्या आप मेरी बात समझे? देखिए दो बंदे हैं ए और बी, ए की एफिशिएंसी ए मान लो, बी की एफिशिएंसी बी मान लो, क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में कुछ भी नहीं दिया। सवाल में दिया है कि दो बंदे ए और बी मिल जाएं तो पूरा काम 5 दिन में करेंगे। दो बंदे हैं ए और बी, वो मिलकर पूरा काम 5 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। तो टोटल वर्क है ये, टोटल वर्क। सवाल में ये बोला है कि ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। अगर ए अपनी दुगनी ताकत से काम करे, मतलब दुए से, बी अपनी ताकत 1/3 कर दे, बी बटा 3 1/3 कर दे, तो अब काम पूरा होने में समय लगेगा 3 दिन। अब काम समय पूरा होने में लगेगा 3 दिन, ठीक है भाई? तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी, यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। बताओ क्या 5 और 6, ये ए आ जाएगा डिफरेंस, ये 5b और ये बी 4b, तो ए बराबर 4b। ए से बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/1। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4/1 आ गया। और सवाल में यही पूछा है कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए 4 करता है 1 दिन में, बी 1 करता है, दोनों लोग मिलके 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट काम को, ये टोटल वर्क है भाई, ए 4 एफिशिएंसी के साथ 25/4 दिन में करेगा। 25/4 दिन का मतलब कितना? 6 सही 1/4 दिन। आया क्या? बोलो क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी है? बोलो। अगर इसमें भी तुम्हें परेशानी है तो यार क्या करोगे बताइए? तुमको टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। एफिशिएंसी हमने मान लिया, ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, ए 1 दिन में ए काम कर रहा है, बी बी काम कर रहा है, दोनों मिलके 1 दिन में ए प्लस बी 5 दिन में मल्टीप्लाई बाई 5। ए ने दुगनी कर दी, बी ने 1/3 कर दी, पूरा काम 3 दिन में, ये भी पूरा काम, ये भी काम, ये भी काम, बराबर रख दो, ए और बी की क्षमता का रेशियो आ गया। और क्षमता है तो सब कुछ है, ओके? जो कम क्षमता उसको निकाल फेंकेंगे और जो ज्यादा क्षमता उसको छुपा के रखेंगे, है भाई? समझ में आया? एक और सवाल लूंगा। सवाल है, सवाल नंबर कौन सा चलेगा भाई हमारा? अब 13, सवाल नंबर 13, जल्दी बताइए। फटाफट, यस, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल है। ये आपने सवाल देखा होगा देखिए, ए बी सी कैन इंडिपेंडेंटली डू ए वर्क इन 15 दिन 20 दिन 30 दिन रेस्पेक्टिवली। जब डेजी दे दिया तो ज्यादा सोची मत, 3 बंदे हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ए किसी काम को कर रहा है भैया 15 दिन में, बी काम को कर रहा है 20 दिन में, और मेरे प्यारे भाई सी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा 15, 20, 30 का एलसीएम 60, तो टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। दिस इज टोटल वर्क, ये बात सभी भैया मेरे जानते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 15 चौका 60, बी की एफिशिएंसी आ गई
20 तिया 60, सी की एफिशिएंसी आ गई 30 दूनी 60, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल को ढंग से सुनना, दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम आफ्टर विच सी लीव्स, उन्होंने साथ में मिलके कुछ समय तक काम किया, साथ में कुछ टाइम तक काम किया, फिर ये बंदा सी जो है ये कमीना बीच में छोड़ के भाग गया। ए टोटल ऑफ रुपीज 18,000 इज पेड फॉर द वर्क, पूरे काम के लिए कितना पैसा पे किया गया है, 18,000 रुपए। एंड बी गेट्स रुपीज 6,000 मोर देन सी, और बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिलता है। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया प्यार से, और सी बीच में छोड़कर भाग गया, और पूरे काम का 18,000 रुपया मिला है, जिसमें बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है, क्योंकि बी ने ज्यादा काम करा है, सी कमीना भाग गया बीच में ही। तो आपसे पूछा है, बताइए ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने कितने दिन काम किया है, सवाल में आपसे ये पूछा है। देखिए मुझे इतनी बात पता है, मुझे इतनी बात पता है कि 60 यूनिट काम के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, 18,000 रुपए दिया जा रहा है। इसमें किसी बच्चे को कोई दो राय नहीं है। टोटल काम 60 यूनिट है, 60 चेयर, 60 कुर्सी बनाने के लिए 18,000 रुपए दिया जा रहा है। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया था, सी भागा है, मतलब ए ने अगर एक्स दिन काम किया है तो बी ने भी एक्स दिन काम किया है, लेकिन सी ने वाई दिन ही काम किया है, सी जो है वाई दिन ही काम किया है, वाई दिन बाद भाग गया। तो ए ने कितना काम किया है, 4x, बी ने काम किया है 3x, सी ने काम किया है 2y। ये एक्स और वाई क्या है, डेज हैं। अगर ए एक दिन में 4 काम कर रहा है तो एक्स दिन में 4x करेगा, बी करेगा 3x, सी करेगा 2y। तो तीनों ने मिलके कितना काम किया, तीनों ने मिलके काम किया 4×3 7x, 7x प्लस 2y, और काम हुआ कितना है दोस्त, काम हुआ है 60 यूनिट। और सवाल में आपसे ये बोला है कि बी ने सी से 6,000 रुपए ज्यादा का काम किया। देखिए बी ने कितना काम किया, 3x, जबकि सी ने कितना काम किया है, 2y। तो बी ने सी से कितना एक्स्ट्रा काम किया, 3x माइनस 2y। आप खुद बताओ, अगर 18,000 रुपए मिल रहे हैं 60 यूनिट के, तो 6,000 रुपए क्या 20 यूनिट काम के नहीं मिलेंगे? इससे आसान तरीका है क्या, अगर 18,000 रुपए 60 कुर्सी बनाने के मिल रहे हैं, तो ये 6,000 रुपए जो हैं, ये 6,000 रुपए 20 कुर्सी बनाने के नहीं मिलेंगे, ये तो कोई भी लड़का बता देगा। यानी कि ये बी और सी के वर्क का जो डिफरेंस है, ये 20 यूनिट है। और आपसे दोस्तों क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, एक्स, आपसे ए की वैल्यू पूछी है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 10x बराबर 80, तो x कितना आ गया तुम्हारा, 8। यानी कि a ने जो है कितने दिन काम किया है, 8 दिन। अच्छा शुभम धीमन, 12 दिन बता रहे हैं, ये 12 दिन क्यों बता रहे हैं बताओ, उत्तर इसका 8 दिन है। ऐसे कितने बच्चे जिनका इस सवाल का आंसर पहले से आ गया था अपने आप, हम ग्रुप डी के हैं, सीजल तो पार्ट टाइम जॉब है, उल्टा बोल रहे हो, हम सीजल के हैं, ग्रुप डी तो लग ही जाएगा, ये होता है असली नारा है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, इसमें किसी को कोई तकलीफ है, फिर से नहीं, फिर से के लिए आपके पास वीडियो है, आप उसको बार बार रिपीट करके देखो है भी, तभी तो फायदा होगा तुम्हें। मैं तो अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सवाल नंबर 14 जल्दी से बताओ। यस, सवाल नंबर 14 फटाफट, सर नहीं समझ आएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, क्या करूं मैं तुम्हारा। अबे 18,000 रुपया 60 कुर्सी के लिए, तो 6,000 रुपया 20 कुर्सी के लिए, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती है, कब समझोगे तुम इतनी बात, ये बताओ। ए कैन वर्क 7/9 एज फास्ट एज बी एंड सी टूगेदर, ए एंड बी टूगेदर कैन वर्क 40% फास्टर देन सी, इफ ऑल थ्री ऑफ देम कंप्लीट ए जॉब इन 28 डेज, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखो यार ये सवाल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस करना होता है। आप अपनी प्रीवेसर की बुक चेक करना, कोई भी बुक चेक करना प्रीवेसर की, आपको ऐसे 7-8 सवाल मिलेंगे,
सेम इस लाइन पे 7-8 सवाल मिलेंगे डाटा चेंज कर करके। सवाल में ये बोला है कि ए जो है बी प्लस सी से 7/9 फास्ट है, मतलब ये ए है और ये है बी प्लस सी। यहां मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूं, ए की जो एफिशिएंसी है बी प्लस सी का 7/9 है, तो ये एफिशिएंसी का रेशो दिया है 7/9। ठीक, सवाल में दिया है कि ए और बी मिलकर कैन वर्क 40% फास्टर देन सी। ए और बी मिलकर सी से 40% ज्यादा फास्ट काम करते हैं, तो ए और बी अगर मिल जाएं तो सी से कितना फास्ट है, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब अगर सी की एफिशिएंसी 5 है तो ए प्लस बी की 7 है, यही है ना रेशियो। तो आपसे सवाल में ये पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी निकालना है भाई, तो आप यहां बैलेंस करो, रेशियो का ही तो सवाल है। ये देखो 7 और 9 16, यहां ए प्लस बी प्लस सी बनना है 7 9 16, यहां ए प्लस बी प्लस सी बनना है 7 5 12, तो 16 और 12 को इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं 48 48 दिन। तो यहां 48 बनाने के लिए 16 है ना, तो 3 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां 12 है ना तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से और ये भी 4 से। तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात पता चल गई कि यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई तुम्हारी 48, मैंने 48 बना लिया ए प्लस बी प्लस सी को 48। तो तीनों लोग मिलके एक दिन में 48 चेयर बनाते हैं और तीनों मिलके पूरा काम 28 दिन में करते हैं, तो 28 दिन में कितना काम करेंगे, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। आपसे पूछा इस टोटल वर्क को बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है। आप खुद एक बात बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 21 है और सी की 20 है, और 21 और 20 होता है 41, तो बी की कितनी बची होगी, 7 बची होगी क्या? अगर तीनों बंदे एक दिन में 48 चेयर बना रहे हैं, ए बना रहा है 21 और ये बना रहा है 20, 41 हो गया, तो बचा खुचा बी जो है वो कितना बना रहा होगा, 7। आप यहां से भी निकाल सकते हो, ए की 21 है, ए प्लस बी तुम्हारी 28 है, तो बी कितना आ जाएगा, 7। तो यानी कि कितने दिन में होगा, 7 4 28 और 48 4 192 दिन में, तो 192 दिन में अकेला भी पूरा काम कर देगा ए ऑप्शन। बोलो ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैक्सिमम बच्चे कर पा रहे होंगे, दिखाना जरा। बोलो, वेरी गुड भाई, क्योंकि सवाल ही इतना फेमस है, इसमें आपको टाइम एंड वर्क से ज्यादा रेशियो चाहिए, आपको बस ए प्लस बी प्लस सी को सेम करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल डिट्टो इसी पे, मतलब मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा। ये देखिए भाई, सवाल नंबर है आपका जो भी है बताओ, ये भी आपको रेशियो बैलेंस करने वाला ही सवाल है, और ये वाला जो सवाल है 2018 के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है भाई, सर कह रहे हैं दूसरा तरीका बताओ, हाँ दूसरा तरीका है, सवाल को छोड़ दो, सवाल की तरफ देखो मत, बिल्कुल इज्जत से हटा दो सवाल को, पेपर बंद कर को, लैपटॉप फोड़ दो और एग्जाम से बाहर निकल जाओ, घर पे आके सो जाओ, इससे आसान तरीका नहीं है भैया। ठीक है, दूसरा तरीका। देखिए, एज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज एंड सी अलोन इन 60 डेज। मतलब ए और बी मिलकर कर रहे हैं काम 36 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। ए और सी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो बताइए बी अकेला रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा, बताओ जल्दी से। सवाल में साफ साफ बोला है कि ए जो है, ए की एफिशिएंसी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है, ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर, मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक है तो ए की भी एक है, सेम है। और ये बोला है कि ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं 36 दिन में जबकि सी कर रहा है 60 दिन में। ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं 36 दिन में,
सी कर रहा है 60 दिन में, ये डेज का रेशियो है, ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो है। ए प्लस बी मिलके 36 दिन में कर रहा है और सी कर रहा है 60 दिन में, डेज का रेशियो आ रहा है 3:5, ये 3:5 डेज का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 5:3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 5:3, इस बात को थोड़ा ध्यान रखा करो 5:3। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये 8 है ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी 8 होना चाहिए, तो 4:4 कर लेते हैं। देखो यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 8 हो गया, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 8 हो गया, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 और सी की एफिशिएंसी होगी 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। सवाल में ये बोला है कि ए और सी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो आप मुझे बताओ, आप कहीं से भी निकालो, सी अकेला पूरा काम 60 दिन में करता है, सी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, 60 दिन में पूरा काम करता है, ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, यही है। ए और सी ने मिलके 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 4 चेयर बनाता है, सी 3 चेयर बनाता है, तो एक दिन में 7 चेयर बनाते, 10 दिन में इतनी चेयर बनाएंगे, तो टोटल वर्क में से ए और सी का वर्क हटा दिया, तो रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 है, एक एफिशिएंसी के साथ 180-70 110 दिन में, तो रिमेनिंग काम को बी करेगा भैया मेरे 110 दिन में। बताओ यार, ये भी तो आप समझ ही पा रहे हो सारे बच्चे, इसमें भी 110 सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बोलो कि यहां तक किसी भी भैया को किसी टाइप की कोई परेशानी है? ठीक, ओके। तो ये थे आपके टाइम एंड वर्क के सारे सवाल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको टाइम एंड वर्क का ये सेशन कैसा लगा एक बार मुझे हाय ना करके बताओ, और एक बार मुझे ये भी बता दो कि आप कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। क्लास के बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसका मुझे बच्चों ने आंसर बताया कमेंट सेक्शन में। मैंने एक बच्चे को 500 रुपये पेटीएम भी करवाया था टीम से, क्या नाम था उस बच्चे का, है वो आज पता नहीं। ठीक है दोस्त, तो आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कल वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो मैं पढ़ाता रहूँगा, और जैसे आप मक्कारी करना शुरू करेंगे तो हम एक ज़माने में तुमसे भी बड़े मक्कार थे। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है आपको, कोई तकलीफ़ है, थैंक यू भाई, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आप इस चीज़ों को रिवाइज़ करो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो है लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करो, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक्टिव हैं इस वीडियो को आप शेयर कर देना, सब जगह इस वीडियो को शेयर कर देना,